बोलिए भारत माता की जय हो। हे लहू देकर तिरंगे की, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, लहू देकर तिलंग तिरंगे की बुलंदी को सवारा है। और फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। कहा कि लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, ये बात किन के लिए की? भारतीय सेना के लिए, भारत के नौजवानों के लिए। कि लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, और फरिश्ते तुम वतन के हो, फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। कि हम अपने खून से लिखेंगे कहानी ए मेरे वतन, हम अपने खून से लिखेंगे कहानी ए वतन मेरे, करे कुर्बान हंसकर जवानी ए वतन मेरे। और जगदीश जी प्रजापत अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो भी अति शीघ्र मंच पे आए। के खून से अपने लिखेंगे कहानी ए वतन मेरे, करेंगे हंसकर कुर्बान जवानी ए वतन मेरे। के दिलो ख्वाहिश नहीं कोई मगर ये इल्तिजा है, हम हौसले पा जाए मानी ए वतन मेरे। तो हम सभी का उन नौजवानों के लिए क्या कहना, ये कहना, अरे जो है फर्जी अपना वो, जो है फर्जी अपना वो अदा कीजिए। इस रचना को जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो परम श्रद्धेय गुरुदेव जनाब मोइनुद्दीन जी मंचला साहब ने इस रचना को गाया था। एक बार उनके लिए सभी जोरदार तालियां बजा दे, देश को समर्पित ये रचना थी। अरे जो है फर्जी अपना वो, जो है फर्जी अपना वो और अदा कीजिए। और अगली कड़ी है जवानों के वास्ते, कौन कौन दुआ करना चाहता है एक बार दोनों हाथों को उठाकर कहें। जो जो जवानों के लिए दुआ करेंगे वे अपने दोनों हाथों को उठाएं, और जो नहीं करेंगे वो हाथ नीचे रखें। इधर से भी मेरी निवेदन है पूरे पंडाल में, जो जो जवानों के लिए दुआ करना चाहते हैं दोनों हाथों को उठाकर कहें। ये जवानों के वास्ते दुआ कीजिए, thank you।
जवानों के वास्ते दुआ कीजिए, हो जवानों के वास्ते दुआ कीजिए। सब हम मिलकर कहेंगे, क्या कहेंगे? एक कह दो उन जवानों से हम तुम्हारे साथ हैं, निवेदन करूं सभी मीठी मीठी ताली बजाते रहे। ये भी एक देशभक्ति है, दोनों हाथों को उठाकर एक साथ नए में ताल देते हुए। इधर से जो मेरी मातृशक्ति विराजमान है, आप भी दोनों हाथों को उठाकर एक साथ। एक कह दो उन जवानों से हम तुम्हारे साथ हैं, कह दो उन जवानों से हम तुम्हारे साथ हैं, तन मन से सेवा करेंगे करने की क्या बात है। कह दो उन जवानों से, इस बात को हम सभी जो जो इसका समर्थन कर रहे हैं वे कहें, जो जो नौजवानों के साथ में हैं तन मन धन से, इधर से जो भी भक्त लोग देशभक्त, वो कह दो उन जवानों से हम तुम्हारे साथ हैं, तन मन से सेवा करेंगे करने की क्या बात है, तन मन से सेवा करेंगे करने की क्या बात है। और हर दुश्मन को चीर फाड़ के, दुश्मन को चीर फाड़ के, दुश्मन को चीर फाड़ के, ऐसे नहीं दोनों हाथों को एक साथ बुलंद आवाज में कहें, अरे दुश्मन को चीर फाड़ के सुखा दीजिए। अब कहें दुश्मन को चीर फाड़ के, थोड़ी आवाज को बुलंद करते हुए जो बॉर्डर पर नौजवान हमारे लिए तैनात हैं उन तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, जोधपुर की आवाज बहुत बुलंद है। अरे दुश्मन को चीर फाड़ के, दुश्मन को चीर फाड़ के, हे दुश्मन को चीर फाड़ के सुखा दीजिए, जवानों के वास्ते दुआ दीजिए, ओ जवानों के वास्ते। आक्रमण हुआ था, अरे संसद भवन पर जिसने गोलियां चलाई है, संसद भवन पर जिसने गोलियां चलाई है, जड़ से मिटाएंगे हम कसम आज। किस किसने खाई है ये कसम पीछे तक, के संसद भवन पर जिसने गोलियां चलाई है और जड़ से मिटाएंगे हम कसम आज। तो जिन्होंने ये कसम खाई है दोनों हाथों को उठाकर कहें, ये इधर वाले भक्तों ने कसम नहीं ली, अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन आप भी सुरक्षित नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है। और अगर देश के प्रति समर्पित रहोगे तो हम सब सुरक्षित हैं। जड़ से मिटाएंगे हम कसम आज, ये मेरी माता बहनों ने भी कसम ली है या नहीं ली है? जिन्होंने ली एक बार दोनों हाथों को उठाकर कहें, जड़ से मिटाएंगे। देखो जितना नौजवानों का इस देश में योगदान है, सहयोग है, उतनी की उतनी मातृशक्ति का भी है, क्योंकि मातृशक्ति में कई ऐसी मातृशक्ति हुई जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो आप सबने भी कहीं ना कहीं जगदम्बा
मैया का स्वरूप है तो कभी में है। हर आदमी के दो पहलू होते हैं भाई साहब, तो दोनों गुण होने अति आवश्यक हैं। तो सभी दोनों हाथों को उठाकर जो जो देशभक्त हैं एक बार दोनों हाथों को उठाकर कहें जिन्होंने कसम ली है। यहां से भी आप तो बिल्कुल नौजवान हो, यहां से मेरी माताएं बहनें जो मेरे मुख्य अतिथिगण विराजमान है आप भी कसम ले सकते हैं। अरे जड़ से मिटाएंगे हम कसम आज, हे कसम आज, हे कसम आज, और हे नक्शे से पाप को। ओहो, कहा मैंने कहा कि इस बार अगर जो युद्ध हुआ तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दुनिया के नक्शे में फिर पाकिस्तान, नहीं होगा। इसलिए ये नक्शे से पाक को, मिटा दीजिए जवानों के वास्ते, दुआ दीजिए हो जवानों के वास्ते। कश्मीर की वादी को फिर से सजाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम कारगिल, जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम। देखो हमारी माँ सा हाथ ऊंचा करिए, आपने देशभक्ति में नमन है, क्या बात है। हो कश्मीर की वादी को फिर से सजाएंगे, कश्मीर की वादी को फिर से सजाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम कारगिल जाएंगे, ये दुश्मन को चीर फाड़ के, सिखा दीजिए। जवानों के वास्ते, ये जवानों के वास्ते। इधर से अब मेरी मातृशक्ति भी गाएं एक बार। जवानों के वास्ते, आल भाई थोड़ा भारी पड़े हैं। मैं चाहूं कि मातृशक्ति तो हमेशा भारी पड़े हैं, अगर माते तो आज भी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, क्यों मां से? सही बात है। ये जवानों के वास्ते, इधर से भी ये जवानों के वास्ते, अब सब साथ में गाएं। ये जवानों के वास्ते, ये जवानों के वास्ते, ओ जो है फर्जी अपना वो, अदा कीजिए जवानों के वास्ते, दुआ कीजिए हो जवानों के वास्ते, दुआ कीजिए हो जवानों के वास्ते, दुआ कीजिए हो जवानों के वास्ते, दुआ कीजिए हो। वास्ते दुआ कीजिए।